इसकी रेट है 14,500। चिकू कलर, इसमें ये किए है रामा कलर। रामा गणी साहब, स्वागत है ममता तंवर के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो गाइस, भगाना मत ब्लॉग को, पहले सुनना। जो भी भाई साहब के कल क्या है कि ज़्यादा पार्सल थे, तो मैं उनके व्हाट्सएप पे फ़ोटो नहीं भेज पाई हूँ, क्योंकि सबके नंबर नीचे दब गए, किस किस के नाम से थे, कैसे थे। तो जिनके भी तीन चार दिन के बाद में पार्सल नहीं पहुँचे, तो आप मुझे मैसेज कर लेना। सबकी फ़ोटो मेरे पास है, जिनके भाई साहब के उन्होंने भेज दिए थे। हमारे साहब जी लेके गए थे पार्सल को, उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया था, तो मैंने कहा आपको ही लेके जाना पड़ेगा। तो वो सुबह मॉर्निंग की ड्यूटी गए थे, तो वो लेते हुए चले गए थे। तो ठीक है गाइस, जिनका भी 3-4 दिन बाद में नहीं पहुंचे, तो आप मुझे मैसेज कर लेना कि भाई साहब पार्सल नहीं आया, कब तक आएगा, तो मैं देख के फिर बता दूंगी आपको। ठीक है गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ गाइस रूप लक्ष्मी के बाद में से मैं जाऊंगी रूप रानी के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने गीत गाते 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 कि रूप रानी, क्योंकि 2-3 भाई साहब के क्या है कि पोशाक के ऑर्डर दे रखे हैं उन्होंने, कि ये पोशाक जो मेरी पोशाक थी ना, वही पोशाक बनवाई है उन्होंने। तो वो पोशाक लेके आऊँगी मैं उनकी शॉप से, तो हो सकेगा तो मैं आपको ज़रूर कलेक्शन दिखाऊंगी। आप वीडियो को धीरे धीरे प्यार से देखा करो, सब कुछ दिखेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। और आज क्योंकि अभी शादियाँ और करवा चौथ चल ही रहे, तो कुछ नया मिल जाए तो ये भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरे लिए बनवाना है सूट। हंसी आती है, सूट बोलती हूँ गाइस मैं इसलिए। तो चलो, वीडियो में बने रहना आप कंटिन्यू, और लाइक तो फिर बनता ही है। अनु रहेगा दादू के पास और मैं आ जाऊँगा 1 घंटे में। ठीक है, अब इसको फ्री करके मैं जा रही हूँ। ठीक है, बता देना, फ़ोन कर देना रोए तो। और मैं जा रही हूँ मासी के पास। हाँ गाइस, अभी बताती हूँ, एडमिट आ रही है। हाँ गाइस, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। है गाइस, मैंने बताया था ना कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनको चेकअप करवाया, तो थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो आज एडमिट करवाएंगे हॉस्पिटल में, मरुधर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे भी मुझे जाना है, तो मुझे तो ये याद ही नहीं था, तो सॉरी गाइस। देखते हैं अभी, वहाँ शॉप पर तो मैं जा रही हूँ, बट मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। और दूध पिला देना इसको, ठीक है? ये दूध एक डॉक्टर ने बता रखा है, वो वाला दूध पिलाते हैं इसको, जैसे मैं नहीं रहती हूँ तो। वैसे ऊपर का दूध बहुत कम, इससे ज़्यादा कर मेरा ही पिलाते हैं तो। और ये परेशान नहीं करता, पहली बात ये है। और ये सोता ज़्यादा है, रोता नहीं है, नज़र नहीं लगाना, ठीक है, थू 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 कर देना सब लोग। इसलिए मैं बाजार में आप लोगों के लिए पार्सल पहुँचा देती हूँ, नहीं ये रोने वाला हो ना तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। तो चलो गाइस एक बार फटाफट से, क्योंकि 3 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो मैं स्कूल से आने के बाद में ही जाती हूँ। ये देखो वो दिखा रही है। ठीक है गाइस, गाइस मैं गाड़ी में फटाफट से निकल के आई हूँ। उतरेगी क्या? तो शीशा खोल ले। ठीक है, तो गाइस मैं अभी आ गई हूँ रूप लक्ष्मी के, वो कुछ मैंने सूट लेने थे यहाँ पे पार्सल के लिए। ये वाला गुलाबी है, और ये ले लिए, और इसके अंदर कलर है ये इलायची, और एक ये कलर है, ये एक ये कलर है, ये भी अच्छा कलर है। बस ये बच्चे हैं, एक येल्लो, बस यही है, रोजी भी नहीं है, रामा है। एक ये वाला बच्चा है, ये है रेड, रेड में ये डिजाइन है बनारसी वाला, ये वाला। तो गाइस मैंने ले लिए हैं सूट यहाँ से, और अभी मैं जा रही हूँ आसाई जी के पास, उसको लेके जाना है अभी हॉस्पिटल, तो रूप रानी के फिर उसके बाद में जाऊंगी मैं। गाइस मैं अभी बैठ गई हूँ गाड़ी में, क्योंकि मैं अभी वहाँ नहीं गई, क्या नाम है हॉस्पिटल, क्योंकि कि डॉक्टर आएगा 4 बजे, तो मैंने कहा 4 बजे से पहले मैं जा आती हूँ रूप रानी की शॉप पे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। और उन भाई साहू को भी काफ़ी दिन हो गए वेट करते करते, कि भाई पोशाक नहीं भेजी या नहीं दिखाई, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अभी फटाकदी से निकल जाती हूँ। बट मैं आज जल्दी जल्दी काम करूँगी पीयू के लिए, मुझे फ्रॉक भी लेनी है, उसका वो है स्कूल का प्रोग्राम कल, तो वो भी, और पता नहीं क्या क्या किल्पें और सैंडल वगैरह क्या क्या लिखी है, तो वो लेके आनी है। तो पहुँचते हैं अभी झूठवाड़ा, तो अभी आपको दिखाएंगे रूप रानी का कलेक्शन। रूप रानी की शॉप कहाँ है? ये है पेट्रोल पम्प के पास में है, आप किसी से भी पूछोगे वहाँ पर मिल जाएगी आपको, तो उनके पोशाक मिलेगी आपको। मैं अभी पहुंच गई हूँ रूप रानी, डिजाइन ये है पोशाक का, ये डिजाइन है तीनों, और ये कलर है इनके, तो कलर भी है रामा डबल कलर है। प्राइस है 6,500 रुपये इसकी, इस डिजाइन के।
अभी और दिखाते हैं कलर है। अब बताओ कौन सा कलर देना। सारे कलर। ये है रामा कलर, ब्लू आ रहा है, रामा कलर है ये। इसमें सारे कलर मिलेंगे। जानकारी है वैसे तो ये पोशाके हैं। और एक कौन कौन से कलर है, कलर दिखाओ एक बार। ये ब्लॉग में डाल रही हूँ, ये तो मैं लेने के लिए आई। ये सारे कलर हैं इसके अंदर। और वैसे आपके मन से भी बन जाएगा ना। अब इसकी रेट 7,500। डिजाइन ये है, इसके अंदर सारे कलर है। ये बस देखो, ये भी इन्होंने पटके हैं। ये डिजाइन ये है जो कि तारी में है, पूरे ओढ़ने में काम है इसमें। और सारे कलर हैं इसके अंदर। मैं अभी आपको कलर दिखाती हूँ, खोल के तो क्या दिखाएंगे, मैं वैसे ही दिखा दूंगी। ये सारे कलर हैं इसके अंदर, और आप उनकी मर्जी से भी बन जाएंगे इसके अंदर। तो आप बना वो बन जाएंगे। ये है गाइस ब्राइडल पोशाक, और इसका ये रूप रानी पे है। रूप रानी समझ में नहीं बैठता, ये रूप रानी पे है। और बहुत ही हैवी और बहुत ही बढ़िया काम है ओढ़ना। और कुर्ती और दिखाओ भी इसकी। ये है ओढ़नी, और इसमें पूरा काम है। ये ओढ़नी में भी जाल दे रखा है पूरा। ये है ब्राइडल पोशाक, पोशाक 65,000 के। चीकू कलर, इसमें ये हैवी काम है थोड़ा सा। ये है चीकू कलर, इसमें कलर सारे मिल जाएंगे। बट कितना प्यारा कलर है, ये नया कलर है ये। इसके ओढ़नी और रखो इधर, इसमें मेरे को इसी कलर के अंदर कोई बढ़िया सा काम करवा के दे। इसमें डिजाइन है, ये भी प्योर के हैं। और एक ये जरी वाला काम भी है, ये वाला भी। इसमें कलर सारे हैं। एक ये कलर है गाइस, ये भी नया कलर है। और इसके अंदर ये डिजाइन है, ऐसे दबके का काम है इसके अंदर पूरे में। इसके ओढ़नी में भी काम है, पूरी ओढ़नी में जाल है। वैसे बॉर्डर फोर सेलिंग बॉर्डर है। ये है रामा कलर, इसके अंदर ये डिजाइन है। इनकी क्या रेट है, रेट भी तो बताओ। 13,000-14,000 ऐसे दुकान आने पे रेट लग जाएंगे वैसे। और आप व्हाट्सएप पे कंफर्म कर सकते हैं क्या रेट है, ऑनलाइन नहीं बता सकते क्योंकि हर दुकान के अलग अलग रेट होते हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता थोड़ा। क्या है ये नया डिजाइन, ये भी, ये हैवी पोशाक दिखा रही हूँ मैं आपको। और मतलब बढ़िया कपड़ा, बढ़िया फेवर, ठाकुर जी की फेवर है। और साटन एक नंबर है, इसे मेंबर साटन है। और ये काम है इसका, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ओढ़नी है, और कुर्ती तो उधर रख दी ना अपने, कहाँ है कुर्ती, ये रही ना, ये कुर्ती है। ये एक ही पीस मिलेंगे इनके पास, ये भी बता देती हूँ मैं आप। इसकी रेट है 14,500। श्री रामा डिजाइन है इसका भी, इसकी क्या रेट है, 13,500 है। येलो कलर की, ये भी बहुत मतलब बढ़िया है। ये ब्राइडल पोशाक है वैसे, हैवी नॉर्मल भी इनके यहाँ पे लगी हुई है, वो आप देख सकते हो आके। येलो कलर में, और इसमें ये काम है, ऐसा क्या काम बोलते हैं इसको, दबका काम है। और इसका ये काम, ओढ़नी पे बॉर्डर है पूरे पे, हाँ है इसके अंदर पूरे में। अब सारी तो कैसे खुलवाएं, इनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कितने भीड़ लगा दी इधर इधर, कस्टमर भी आ गए गाइस। तो सारी है मतलब, आप एक बार ट्राई कर लेना ठीक है। और आप फोटो भेज के आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना क्या रेट है। ये पोशाक है एक देना, ये सिलाई पे दे दिए मैंने। ये पोशाक ली है बट ये मैंने अभी सिलाई पे डाल दी, ये वाली, ये मतलब किसी कस्टमर की है, उनको सिलाई पे देनी है ये वाली। ठीक, लो ये पोशाक दे दो, ऐसे कह रही हूँ फिर निकल जाएगी, बाद में करते रहना। मैंने कर ली है शॉपिंग, शॉपिंग क्या मैंने सिलाई पे ही दे दिए, जो 3-4 ऑर्डर थे ना वो सिलाई पे ही दे दिए। और उसके बाद में 2 तारीख के लिए है मैंने, वो मैं आपको घर जाके दिखा दूंगी। और पोशाक मैंने आपको दिखाई दी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके रेट पूछ सकते हैं कि भाई ये कितने की, बट हैवी पोशाक है गाइस। ये मैंने वो कचरे वाले नहीं दिखाई आज, बढ़िया पोशाक दिखाई है, सादी ब्राइडल पोशाक। ठीक है, तो अभी चलते हैं घर पे, आगे का प्रोसेस चलता रहेगा अभी आगे।
मैं आ गई हूँ अभी मेरी बहन के घर, क्योंकि डॉक्टर आ गया है। बोले कि डॉक्टर आ गया है तो अभी चेकअप करवाएंगे या क्या करवाएंगे देखते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। कि तबीयत तो वैसे ज़्यादा ही ख़राब हो रही है गाइस, इन्फेक्शन हो गया। और चलो अभी देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर, फिर आपको बताएंगे। तेरी मम्मी बीमार होके भी आगे बैठेगी। चलो गाइस एक बार चलते हैं देखते हैं। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं मदर हॉस्पिटल। क्या कह रहे हो? अरे उसको बोलना था डॉक्टर को, इतना देखो नींद नहीं आ रही, रात भर जी का बता रहा है। लेट जा, लेट जा, लेट जा। मंदिर है ये, मंदिर के सामने ये हमारे जिया जी हैं। गाइस मैंने छोड़ दिया है, अब मैं चलती हूँ पार्सल लगाने, फिर मैं एक बार मिलती हूँ आपसे। क्या बताया है डॉक्टर ने वो मैं आपको बताती हूँ, फिर एक बार साइड में कर लेती हूँ। सब मैंने छोड़ दिया है मेरी बहन को, डॉक्टर ने बुलाया है कि सुबह एडमिट करेंगे। और पता नहीं ये सरकारी कामों के कुछ उल्टे सुलटे काम होते हैं, वहाँ से लिखवा के लाओ, वो करवा के लाओ, और दर्द होता है उसके, मतलब इन्फेक्शन हो रखा है ना फिर दर्द होता है, तो इस कारण से एडमिट करना पड़ेगा। और थोड़े लीवर में सूजन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह आए हैं, तो उसके बाद में दिखाएंगे, अब डॉक्टरी जांच करेंगे वापस से एडमिट करवाने के बाद में। तभी मैं एक बार पार्सल लगा दूँ आप लोगों का और फिर मैं निकलती हूँ घर के लिए। मैं पहुँच गई हूँ पार्सल वाले भैया के, अभी पार्सल हैं ये सब, ये जो गाड़ी में रखे हुए हैं ना ये सब, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ पोशाक जो कि जो पार्सल में है वो। तो ये एक साथ जाएंगे दोनों, ये हैं और ये हैं पोशाक पार्सल की दोनों। ये मैं सिलाई के सूट हैं और ये भी पार्सल के ही हैं, ये लफ्फे वाले। ये एक थैली और है, ये रही, ये भी पार्सल की है। मैंने अभी लगा दी है पार्सल, रात ही हो गई पार्सल लगाते लगाते, अब मैं फटाक दिसी घर पहुंचती हूँ। फिर उसके बाद में पीयू की ड्रेस दिखाएंगे आप लोगों को, जो लेके आई थी वो मैंने पार्सल लगा दिया, दो तीन सूट अभी रखे हैं मेरे पास, तो अभी घर जाके दिखाऊंगी, फ्री होके दिखाऊंगी। गाइस गाइस इसको बड़ी तावली हो रही है, इसकी ड्रेस आई है ना कल, देखो दिखाओ आपकी ड्रेस और जूती वगैरह, देखो क्या क्या लेके आई है मम्मा बता। ओहो लाइट भी जलती है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसमें लाइट जलती है। देखो, आगे तो कैसी लगी? अच्छी अच्छी। अच्छा और ये फ्रॉक है गाइस, ये पहन के जाएगी कल स्कूल में, प्रोग्राम देखो प्रोग्राम है इसका, देखो कितनी प्यारी लगा, दिखाओ ड्रेस आपकी। नहीं पहना के नहीं, वो सुबह 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 पहनाएंगे, सुबह तैयार होकर जाएगी ना जो, है ना। ये वाली ड्रेस आई है इसकी, कैसा लग रहा है? अच्छा तो डांस कौन से गाने पे करोगे आप? बताओ कौन से? हाँ तारीफ वाले पे, अब गाना कौन सा? चेहरा पे। क्या चांसा? चेहरा पे चांसा, चेहरा। इस पे डांस करेगी स्कूल में, तो हमें तो पेरेंट्स को तो बुलाया ही नहीं, ये तो गलत बात है ना। बुलाया तो गाइस आपको और पापा को, कहीं नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, इनवाइट आता। तो गाइस अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये लेके आई हूँ मैं, ये है गाइस उसमें रामा वाले। और देखो इसमें अभी खोल, इसको ये निकाल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये रे वो पन्निया, ये पार्सल की पन्नी भी लेके आई, ये ओढ़नी है, एक मिनट, ये लड्डू की जोड़ के सूट सिलने के लिए देख के आई थी उसकी ओढ़नी है, और ये सिलाई के सूट है, एक मिनट सिलाई के सूट क्या खिंडाऊँ गाइस, दिख रहे हैं ये है सिलाई के सूट, इस बैग में रहने दी, ये हमारे किसी के हैं जो कि उन्होंने सूट लिए थे ना उनके, तो ये पीयू के शॉपिंग। तो पीयू अब आप अपनी मम्मा को जूती देखो, जूती ये रही भाई देख लो जूती पीयू की, आपको बस तो अब गाइस आपको ये अच्छी लग रही है क्या? हाँ अच्छी लग रही है, सब गाइस को अच्छी लग रही है, अब कमेंट करेंगे कि हाँ गाइस पीयू की ड्रेस अच्छी लग रही है और कल स्कूल में पहन के जाएगा। ठीक है गाइस सुबह हो जाएगी ना फिर पहन के जाऊंगा, ठीक है सुबह पहन के जाएगी। तो गाइस आप अच्छे अच्छे कमेंट करना पीयू के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट व्लॉग होगा पीयू के सुबह।
हाँ अब इसको सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाएगी, मम्मा को जल्दी तैयार होएगी। एक एक चीज भूल गए गाइस इसकी, गाइस ये है पीयू की आज की शॉपिंग। हमने भगते भगते करी, ब्लॉग नहीं बनाया पीयू की शॉपिंग का। और एक बात बता देती हूँ, ये सूट मिल जाएगा आपको, एक और ये एक सूट गाइस। और बताओ मासी बीमार हो रही है। हाँ मासी बीमार हो रही है तो कल एडमिट कराएंगे गाइस मासी को, ठीक है। ये देखो बेड का क्या हाल कर दिया है पीयू ने। हाँ। ठीक है, पीयू बहुत गंदी बच्ची बन रही है। नहीं पीयू तो मेरी सबसे बेटी अच्छी है, और जिया मेरी बहुत ही अच्छी बेटी है। देख मतलब कानू को भी रख लेती है और पूरा ध्यान रखती है ये अपने भाई का। पूरा देखो कितने घंटे में आती हूँ मैं, तभी ये कितना ध्यान रखती है। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई क्योंकि गाइस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हमारे जाने के बाद में भी नहीं आया था काफी देर तक, तो इसलिए बहुत लेट हो गए थे हम। मम्मी, ये अच्छा लग रहा है क्या? हाँ अच्छा लग रहा है गाइस को, आपकी चीजें सारी अच्छी लगी है गाइस को, ठीक है। नहीं है तो ये तो साइक्लिन शॉर्ट्स है। हाँ तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यही है। किसी को पसंद आए तो सूट ऑर्डर करें, नहीं तो बाय बाय टाटा। बाय बाय टाटा बोल दिया बच्चों को। अब कानू को फ्री करते हैं, फिर खाना बनाने जाते हैं। भाई देख लो मैं कितना काम करती हूँ गाइस, बाहर का रहती है। बाहर का ये आप लोगों का क्या करूँ मैं, बाहर नहीं जाऊँ तो मुश्किल, जाऊँ तो मुश्किल। हाँ तो गाइस ये है क्या, मैं तो भूल हो रही क्या बोल जाती हूँ, ये बच्चे हपड़ा देते हैं मेरे को। देखो ये गले में मैंने वो पहन रखा था जो मैं बनवा के लेके आई हूँ वो, ठीक है गाइस। और चुप हो जाओ एक मिनट, मेरे को ब्लॉग बनाने दो। मम्मी के लिए लाइक करो, मम्मी के लिए लाइक करो। तेरे पापा का फोन आ गया, एक मिनट। ये रहा हमारा कानू, ये बहुत मिस करता होगा कि मेरी माँ कैसी है, मैं छोड़ छोड़ के भाग जाओ है ना रे। नहीं मेरे कानू बहुत अच्छा है, मेरा कानू है, मेरे तीनों ही बच्चे अच्छे थे गाइस। वो भी नहीं रोती थी, ये भी नहीं रोता और ये भी नहीं रोती थी, तीनों बच्चे नहीं रोते थे पहले। इसके को तो मैं 8 दिन की छोड़ के वहां गई थी, कहाँ गई थी वो 8 दिन की थी, डॉक्टर के नहीं, डॉक्टर के तो जाती थी शॉपिंग करने गाइस। इसकी टाइम तो 20-25 दिन लगाए थे, इसके टाइम तो मैं 8 दिन की चली गई थी। तो ठीक है गाइस, तो आज का ब्लॉग यही है गाइस। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और अपनी फैमिली में भी शेयर करते रहना, ठीक है।